आपको ऐसा लगता है कि जितना विजन, आप विजन की बात किए तो जितना विजन वो दिखाया, जितना सपना अभी तक युवाओं को दिखाया पूरा किए हैं? वो कांग्रेस के फंड से वहाँ पूजा पाठ कर रही हैं, अपने अगले जन्म को सुधार रही हैं, या अपने आप को जेल जाने से बचा रही हैं कि भगवान बचा दे, क्योंकि सभी कोई केस में लगे हुए हैं। आपको नहीं लगता है नोटबंदी से पब्लिक ज्यादा परेशान हुई है, जितना सरकार को कुछ फायदा नहीं हुआ? आपको ऐसा नहीं लगता है कि मोदी सरकार काम कम और लोगों को उलझाने का काम ज्यादा किया है? नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 2019 लोकसभा चुनाव बिगुल फूंका जा चुका है और चारों तरफ चुनावी शंखनाद बज चुकी है। कहीं टिकट लोगों को मिल चुकी है, कहीं टिकट के लिए अभी भी घमासान जारी है। आज इसी क्रम में हमारे ऑफिस अपना लाइव डॉट न्यूज के ऑफिस में एक युवा पहुंच चुके हैं। इनका कहना है कि 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी जी विजयी हो रहे हैं और ये आते ही इनका कहना ये है कि अगर मोदी जी का सरकार नहीं बनता है तो मैं अपना मूंछ छिलवा लूंगा। इन इतने अस्वस्थ हैं मोदी सरकार पे, हम लोग जानते हैं खुद इन्हीं की जुबानी कि आखिर में इतना विश्वास इनको कैसे। आप बताएं, सबसे पहले तो हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, आपका नाम बताइए पहले। आशुतोष कुमार जी, आपको इतना विश्वास मोदी सरकार पर कैसे? उसके काम और उसके जो परफॉर्मेंस है अब तक का, जो विजन बना रखे हैं जिससे कि वो 2023 तक चल रहे हैं, इसी वजह से है कि जो भी उनके प्रोग्राम जो चली है वो 2014 से लेके 23 तक का। आपको आपको ऐसा लगता है कि जितना विजन, आप विजन की बात किए तो जितना विजन वो दिखाया, जितना सपना अभी तक युवाओं को दिखाया पूरा किए हैं? बिल्कुल। लोग कहते हैं रोजगार नहीं मिला, रोजगार के नाम पे कहीं काम हो रही है, कोई ना कोई व्यक्ति तो कर रहा है। काम तो पहले से भी होती थी, काम नहीं, तो नहीं, आज जो बढ़ी है ये पूरा आंकड़ा अभी हमारे पास नहीं है। आंकड़ा में सीधा बताया गया कि पहले जो है कि 10 किलोमीटर सड़क बनती थी, आज वो 50 किलोमीटर बन रहा है। मैन पावर ज्यादा लगा होगा तभी 50 किलोमीटर बनेगा, ऐसे तो नहीं बन सकता। तो जो भी वो व्यक्ति रोजगार में आए उनका तो रोजगार मिला, इनका रोजगार मिला। इसी तरह से कही है कि जो है कि टॉयलेट का प्रोग्राम चला, वो बनता था कागज पे, लेकिन आज जो है फ्लोर मतलब बनता था लेकिन कागजों पे, आज जो है कि बन रहा है तो उसमें कम से कम तीन व्यक्ति का तो रोजगार होना ही है, एक मिस्त्री या दो लेबर, वो तो रोजगार में आया। तो इसको ये कहना कि रोजगार क्रिएट नहीं हुई है, यहाँ रोजगार का मतलब जो होता है कि लोग लगा चुके हैं कि सरकारी नौकरी, अदरवाइज कोई काम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो है कि सरकारी नौकरी तो 10% लोग को ही मिलती है, बाकी 90% कमाने वाले अपना रोजगार करें या प्राइवेट में कहीं नौकरी कर रहे हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा युवा कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी है? युवा है और ज्यादा काम कर सकते हैं, उनसे ज्यादा एनर्जी है? नहीं नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा में लक्षण नहीं दिखा है राहुल गांधी जी में। मतलब क्या खराबी है जिससे वो प्रधानमंत्री बनने लगे? यार ऐसे होती है ना कि उनकी अभी तक कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है, वो जो भी कार्यक्रम या घोषणा कर रहे हैं या अपने चुनाव मैनिफेस्टो में जो डाल रहे हैं वो है कि जो सरकार का पैसा है उसको हम खर्च कर देंगे। आएगा उनके पास वो विजन नहीं है, जो भी सरकार मतलब सरकार को अर्निंग का मतलब विजन उनके पास नहीं कि कैसे नहीं, अभी भी उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुने होंगे कि भारत के जीडीपी का इतना परसेंट, जीडीपी के 10% हम बाल कल्याण में देंगे या कन्या कल्याण में देंगे या शिक्षा पे देंगे। उन्होंने एक बात और युवाओं को एक बात और बोली है उन्होंने और सभी के लिए कि अगर मेरी सरकार बनती है तो 72,000 रुपया सालाना सबको हम देंगे। हाँ तो ठीक है, वो इसी चीज को कहना चाह रहा हूँ कि 72,000 रुपया वो मंथली देंगे तो 72,000 रुपया कहाँ से लाएंगे? वो लाएंगे सीधा, वो है कि जो भारत अभी कमा रहा है या जीडीपी जो भारत की है उसी में से देंगे। वो पैसा जो देंगे वो अलग फंड तो कहीं से नहीं, मोदी सरकार अभी तो सरकार का ही पैसा या जो जनता का ही पैसा है उसी को घुमा के फिर 2014 से 2019 तक मुद्रा कोष देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इनके खर्च और इनकम में कितने की अंतर। अच्छा, वो
कांग्रेस के फंड से वहाँ पूजा पाठ कर रही हैं, अपने अगले जन्म को सुधार रही हैं, या अपने आप को जेल जाने से बचा रही हैं कि भगवान बचा ले, क्योंकि सभी कोई केस में लगे हुए हैं। हाँ। द होल फैमिली। वो लोग तो कहते हैं हमेशा कि हमको तो मोदी सरकार फंसाते रहती है, तो बाड्रा का जैसे केस रहे, तो उन लोग का यही कहना है कि मोदी सरकार हम लोग को झूठ मूठ के परेशान कर रही है। नहीं, किसी के कहने से, यहाँ कानून है, यहाँ कानून का राज है, ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति का राज है, यहाँ कानून का राज है। कई जगह जो है कि यहाँ का कानून मोदी को रोका है, कई घटना ऐसी, केजरीवाल के केस में ही है कि उसमें भी कोर्ट रोका। अभी आपका एक और केस चल रहा था आरबीआई वाला केस में जो है, वहाँ आरबीआई के गवर्नर रोके, जिसमें आरबीआई की बात आपने शुरू की, तो हम नोटबंदी को लेके भी आपसे जानना चाहेंगे। आपको नहीं लगता है नोटबंदी से पब्लिक ज्यादा परेशान हुई है, जितना सरकार को कुछ फायदा नहीं हुआ उससे ज्यादा पब्लिक कहीं परेशान हुई? हमें बिल्कुल नहीं लगती है, क्योंकि जो पब्लिक है उनके पास उतना फंड नहीं है जिससे कि वो परेशान हो। हाँ, उस समय जो थोड़ा घटना घटी थी कि उन लोगों को जो भी रोजमर्रा की, नहीं, जिस मकसद से नोटबंदी किया गया था, जिस मकसद से नोटबंदी किया गया था, जितना आउटपुट हुआ उतना ही इनपुट हुआ, थोड़ा बहुत को अगर छोड़ दें। नहीं नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? यहाँ अभी देख लीजिए, नोटबंदी से दुखी कौन है, सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहे हैं? एक राहुल गांधी। देखिए, अगर किसी और को नहीं कोई दिक्कत, हमारे समझ से तो सबसे ज्यादा नोटबंदी से जनता भी परेशान हुई है। आप देखे होंगे, आपको याद होगा, बड़े बड़े लाइन लगते थे, कितने शादियां में दिक्कत हुई, बहुत सारी परेशानी आई। देखिए, इसमें दो केस थी, ये दो केस को आप कह सकते हैं, शादी एक मीट कर, जिसमें भी किया गया था कि यदि आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू या अन्य व्यवस्था के थ्रू आप ये कर सकते हैं, तो उसमें कोई बंदिश। आपको ऐसा नहीं लगता है कि मोदी सरकार काम कम और लोगों को उलझाने का काम ज्यादा किया है? उलझाने का हमको नहीं समझ, जैसे नोटबंदी, अगर आप सबसे बड़ी मुद्दा पे हम चलिए आपको ले चलते हैं, सबसे बड़ी मुद्दा मोदी सरकार की, कि अगर हम सरकार में आते हैं तो राम मंदिर निर्माण कराएंगे, कहाँ चली गई? 5 साल गुजर गया, राम मंदिर आज तक नहीं बना। नहीं, राम मंदिर के केस में वही घटना हो रही है कि इन लोगों को राज्यसभा में बहुमत नहीं है, जिस वजह से जो है कि कांग्रेस ये कर रहा है। कांग्रेस ही जो है मुसलमान भाइयों को जो है क्या कहते हैं कि राजनीतिकरण करने के लिए मजबूर कर रहा है, नहीं तो मुसलमान भाई भी तैयार है कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो मानेंगे। कोर्ट में फैसला नहीं होने देना या होना, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि आप लोग समझौता कर लीजिए, लेकिन जो है कि राजनीतिकरण हो गई है, एक पार्टी चले जाते हैं उधर, एक पार्टी इधर, उसके बाद बीच में हो जाता है कि कोर्ट भी यथास्थिति बना के रखे हुए जब तक आप लोग समझौता कीजिए। हम ये मेन बात ये जानना चाहते हैं कि आपने इतना विश्वास आपको है मोदी सरकार पे, मोदी सरकार आने से, सरकार में आने से पहले कही थी कि सबके अकाउंट में 15 लाख रुपया मिलेगा, काला धन हम वापस लाएंगे, उस पर कुछ नहीं हुआ? नहीं, फिर भी आप मोदी सरकार के साथ? पहले मैं पहला सवाल का जवाब दे दूं कि जो है कि मोदी सरकार ने कभी नहीं कहा, न बीजेपी, हमने बहुत सुना है उसके बाद, हमने बहुत मतलब नेट से निकाल के देखने का प्रयास किया हर क्लिपिंग 2014 के हर भाषण को, कि ना बीजेपी के किसी लीडर ने कहा कि हम पर व्यक्ति, पर परिवार या पर व्यक्ति, या तो पर व्यक्ति की बात हो नहीं, ऐसा कभी सुने हैं कि अकाउंट में पैसा आने वाला है? सुना गया है तो सिर्फ कांग्रेस के मुंह से या विपक्ष, मतलब आपके हिसाब से भाजपा का ये कमिटमेंट? नहीं, कमिटमेंट नहीं था, काला धन वापसी का था जिसमें की प्रोसेस में है। आप 5 साल हो गया प्रोसेस, 5 साल। देखिए, जब विदेश की काम होती है तो जब तक विदेश से एक समझौता नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं हो सकता। मतलब आपको कुल मिला के ये लगता है कि मोदी सरकार इज द बेस्ट? कौन सी अभी जो है दूसरा ऑप्शन ही कुछ नहीं है, ऑप्शन कुछ नहीं है। आप कोई ऐसी सबसे बड़ी खासियत जो मोदी सरकार की आपको अच्छी लगती है? कमिटमेंट, मतलब कमिटमेंट करते हैं कि जो कमिट करते हैं उसकी ओर चलने का प्रयास करते हैं, और प्रयास में कितना सफल होना, अरे 100 विभाग में चलेंगे, कम से कम 50-60 विभाग में भी निकल जाते हैं तो उसको काम कहा जाता है। कमिटमेंट की ओर चलना, कमिटमेंट की ओर, कमिटमेंट आपको सबसे अच्छा उनका लगता है? तो हम आशा करते हैं कि इनका लाज, इनका मुंह बचा रहे, ताकि इन्होंने
चल के आया है अपना लाइफ के ऑफिस में, और इन्होंने आके बताया कि हम कुछ करना चाहते हैं, मोदी सरकार की ही सरकार बनेगी, हमें दावा करते हैं, अगर नहीं सरकार बनी तो हम फिर आपके ऑफिस में आएंगे अपनी मूंछ हटाने के लिए। देखते हैं इनकी मूंछ बचती है या जाती है चुनाव परिणाम के बाद। मुझे उम्मीद है इनकी सोच, इनकी जो उम्मीद लगाए हुए हैं उस पर मोदी सरकार खड़ी हो। आगे सरकार किसकी बनती है ये देखने वाली बात होती है। तब तक बने रहे अपना लाइव न्यूज के साथ, मिलते हैं फिर कोई अगले युवा के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।